कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को ईस्टर की शुभकामनाएं। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं मेरी मैग्डलिन और दूसरी मेरी यीशु मसीह की कब्र पर जाते हैं और वहां उन्हें फरिश्ता मिलता है। फरिश्ता उनसे कहता है, डरो मत, यीशु मसीह जी उठे हैं। और बाद में सुसमाचार के अंत में हम देखते हैं कि यीशु मसीह भी उन्हें दर्शन देते हैं और यही बात दोहराते हैं कि डरो मत। आज के इस पर्व का संदेश यही है, डरो मत। आज का जो तीसरा पाठ है, जो निर्गमन ग्रंथ से लिया गया है, उसमें हम देखते हैं कि इसराइल की जनता लाल समुंदर और मरुभूमि के बीच में है। मिस्र की सेना उन पर हमला करने के लिए, उनको मारने के लिए, उन्हें दोबारा गुलाम बनाकर अपने देश ले जाने के लिए आ रही है। इसलिए इसराइल के लोग बड़े ही चिंतित परेशान हैं और वो मूसा से जाकर कहते हैं कि कुछ कीजिए। मूसा ईश्वर के सामने जाकर रोता है, अपनी परेशानी प्रकट करता है और उस समय प्रभु मूसा से कहते हैं कि तुम क्यों रो रहे हो, क्यों चिंता करते हो, अपनी छड़ी उठाओ लाल समुद्र के ऊपर और लाल समुद्र को दो भागों में विभाजित कर दो। मूसा प्रभु के कहे अनुसार अपनी छड़ी को लाल समुद्र के ऊपर उठाता है और समुद्र को दो भागों में बांट देता है। उसके बाद इसराइल की जनता सूखे पांव लाल समुद्र से निकलकर पार हो जाती है और मिस्र की जो सेना उनको मारने के लिए आ रही थी वो उनके पीछे समुद्र में जाते हैं, लेकिन इसराइल की जनता के निकलने के बाद समुद्र वापस आ जाता है और जो मिस्र की सेना थी, जो उनके इसराइल की जनता के दुश्मन थे, वो समुद्र में डूब जाते हैं। प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको अपने जीवन के अनुभव से एक घटना बताना चाहता हूँ। एक बार मैं किसी एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल में काउंसलिंग कर रहा था तो वहाँ मेरी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई। उस व्यक्ति की पहचान गुप्त रखने के लिए मैं उनका नाम बदल रहा हूँ ताकि उनकी पहचान रखी जा सके, गुप्त रखी जा सके। तो मान लीजिए उस व्यक्ति का नाम जोसेफ था। तो ये जोसेफ मेरे पास काउंसलिंग के लिए आया। जोसेफ की पत्नी और उसके जुड़वा बच्चे थे, जो दोनों लड़कियां थी। तो 15 साल पहले उसकी पत्नी और ये जुड़वा दो बेटियां कार में सफ़र कर रहे थे। अचानक दूसरी तरफ से किसी ड्राइवर ने आके उनकी गाड़ी से टक्कर मारी। जो ड्राइवर जिसने टक्कर मारी वो शराब पिए हुए था और नशे में उसने गाड़ी से टक्कर मारी। तो उस घटना में इस जोसेफ की पत्नी और दोनों बेटियां चल बसे। जोसेफ के लिए ये घटना बहुत ही दर्दनाक थी। जोसेफ ने बार बार अपने मन में सोचा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्या किया है जो मेरी पत्नी और मेरे बच्चे मुझसे छीन लिए गए और वो भी इस तरह एक दर्दनाक एक्सीडेंट के द्वारा। धीरे धीरे जोसेफ और अधिक परेशान होता गया। जोसेफ डिप्रेशन में चला गया। उसको हलुसिनेशंस भी होने लगे। कई बार वो अपनी बेटियों की आवाज़ें सुनता या उनको देखता और उसकी बेटियां उसको कहती, डैडी हमारे पास आ जाओ, डैडी हमें बचा लो, हमारे पास आ जाओ। तो ये सब हेलुसिनेशंस के बाद जोसेफ को सुसाइड का करने की चिंता बार बार मन में आने लगी और उसने कई बार आत्महत्या करने की कोशिश भी की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया।
अब 15 सालों के बाद आज भी जोसेफ इस घटना से जूझ रहा था। तो मैंने जोसेफ से पूछा कि जोसेफ, तुम्हारे जीवन में इतना सारा दुख है, तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी 2 बेटियां चली गई एक एक्सीडेंट के द्वारा, तुम कैसे जी पा रहे हो, तुम्हें जीने की प्रेरणा कैसे मिल रही है? तो जोसेफ ने बताया, यकीनन मैं आज भी उन सब लोगों को मिस करता हूँ और आज भी ये मेरे लिए एक बड़ा ही दर्द है, लेकिन मैं अंधकार से रोशनी की ओर बढ़ रहा हूँ। पहले मैं ईश्वर के इतने करीब नहीं था जितने आज मैं ईश्वर के करीब हूँ, और ये शायद इसीलिए संभव हुआ है कि मैंने अपने जो मेरे प्रियजन थे उनको खो दिया, लेकिन मैं ईश्वर के काफ़ी नज़दीक आ चुका हूँ, मैं उसकी रोशनी को आज देख सकता हूँ। प्रिय भाई और बहनों, जोसेफ के लिए यकीनन एक बहुत ही दर्द की बात थी, लेकिन जोसेफ ने उस दर्द को झेलना सीख लिया। जोसेफ काफ़ी समय तक अंधकार में रहा, लेकिन अंधकार से वह रोशनी की ओर बढ़ने लगा। आज का पर्व ईस्टर हमें यही संदेश देता है कि हमें भी अंधकार से रोशनी की ओर बढ़ना है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को आखिर तक प्यार किया, सभी को प्यार किया। इससे कुछ लोग परेशान थे, फरीसी लोग, और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर मार डाला। प्रभु यीशु मसीह ने घोर यातनाएं सही, कोड़ों की मार सही, भारी क्रूस को अपने कंधों पर लेकर वो कलवरी की ओर बढ़े, और कलवरी पहाड़ पर उनके हाथों पैरों को कीलों से ठोक दिया गया। यकीनन एक बहुत ही दर्द भरी मृत्यु प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के लिए स्वीकार की। ये प्रभु यीशु मसीह के लिए, प्रभु यीशु मसीह के चेलों के लिए, माँ मरियम के लिए एक बहुत ही दर्द का समय था, अंधकार का समय था। लेकिन प्रिय भाई और बहनों, आज हमारा अंधकार दूर हो गया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सबसे बड़ा अंधकार जो मृत्यु है उस पर विजय पा ली है। मृत्यु से बड़ा अंधकार कोई नहीं है, मृत्यु से बड़ा डर कोई नहीं है, और इस डर पर प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के लिए जीत पा ली है। संत पौलुस कहते हैं कि हम बपतिस्मे के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के अंग बन गए हैं, हम बपतिस्मे के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु में शामिल हो गए हैं, इसीलिए हम बपतिस्मे के द्वारा उनके पुनरुत्थान में भी शामिल हैं। यही बात हमें भरोसा दे, हमें हिम्मत दे। आज जब हम कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, और जो विभिन्न विभिन्न प्रकार की परेशानियां कोरोना वायरस की वजह से हमारे जीवन में आ गई हैं, जैसे घर में बंद रहना, अकेलापन, और अपने प्रियजनों से ना मिल पाना, कुछ हमारे प्रियजन दूर हो सकते हैं तो उनकी चिंता, इस तरह की काफ़ी परेशानियां, चिंताएं और डर हमारे जीवन में आज कोरोना वायरस की वजह से हो सकता है। ये अंधकार हमारे जीवन में कोरोना वायरस की वजह से हो सकता है, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह हमें भरोसा दिलाते हैं कि तुम मेरे साथ जी उठोगे। जिस तरह मैंने मृत्यु पर जीत पा ली, तुम भी हर प्रकार की मृत्यु पर, हर प्रकार के डर पर जीत पा लोगे। भरोसा रखो ईश्वर में, भरोसा रखो मुझ में, भरोसा रखो। हाँ प्रिय भाई और बहनों, हमें प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखना है, जो मृत्यु को जीत कर तीसरे दिन जी उठा। और यही संदेश हमें शायद बार बार अपने मन में आज सुनना है और दोहराना है कि प्रभु यीशु मसीह हमसे कहता है, डरो मत,
मैं जी उठा हूँ, डरो मत, मैं जी उठा हूँ। प्रिय भाई और बहनों, डरिए मत, क्योंकि हमारा प्रभु जी उठा है और यकीनन उसके साथ हम भी हर तरह के डर से, हर तरह की परेशानी से, हर तरह के अंधकार से और हर तरह की मौत से जी उठेंगे। इस विश्वास और आशा के साथ एक बार फिर आप सभी को ईस्टर की शुभकामनाएं। अपना ध्यान रखिएगा, घर में रहिएगा और जो आपके परिवार के सदस्य आपके साथ हैं उनको जितना भी अधिक प्यार दे सको प्यार दीजिएगा। हैप्पी ईस्टर।